हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं श्याम सुंदर साहा, आप सभी को हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस SSS में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अभी हम लोग फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 7 यानी मॉडर्न फिजिक्स के पांचवें वीडियो में देखेंगे कि डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य एवं किसी कण की गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है। ठीक है, किसी कण की गतिज ऊर्जा और डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य में क्या रिलेशन है, उसको कैसे प्राप्त करेंगे। तो रिलेशन होता है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य बराबर एच बाय रूट अंदर 2 m k। ठीक है, k क्या है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, और m क्या है, कण का द्रव्यमान, h क्या है, प्लांक नियतांक, और लैम्डा क्या है, तरंगदैर्ध्य। यानी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य और किसी कण की गतिज ऊर्जा में रिलेशन प्राप्त करना है, उसको समझना है कि कैसे प्राप्त किया जाता है। रिलेशन होता है लैम्डा बराबर एच बाय रूट अंदर 2 m k। हमको इस रिलेशन को प्राप्त करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तरंगदैर्ध्य यानी लैम्डा जो है वो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है, और के जो है वो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो चलिए इस इक्वेशन को हम लोग प्राप्त करते हैं। देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, समझिए इसको बढ़िया से। क्या बोला कि डी ब्रोगली तरंग देरी क्या होता है, फॉर्मूला लैम्डा बराबर एच बाय पी, यदि फोटोन है तो। ठीक है, फोटोन है तो, यदि वह कण फोटोन है तो लैम्डा यानी डी ब्रोगली तरंग देरी क्या होगा, लैम्डा बराबर एच बाय पी होगा। यदि फोटोन नहीं होकर के वह कण कोई और चीज है या कोई और कण है तो क्या हो जाएगा, एच बाय एम इंटू वी, क्योंकि पी यानी संवेग बराबर होता है किसी कण का द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, तो पी बराबर हो जाएगा एम इंटू वी। कोई कण है तो लैम्डा बराबर होगा एच बाय एम इंटू वी, यदि वह कण फोटोन है तो लैम्डा बराबर होगा एच बाय पी। ठीक है, चलिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लिख दिए, अब लिखना है कण की गतिज ऊर्जा। ठीक है, कण का गतिज ऊर्जा लिखना है, तो गतिज ऊर्जा मतलब कोई कण गति में है, यानी कोई कण का अपना द्रव्यमान m है और वह भी वेग से गति कर रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, के बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 2 k लिखेंगे, 2 चल जाएगा इधर 2 k, और m आएगा नीचे, यानी 2 k बाय m बराबर लिख सकते हैं वी स्क्वायर। ठीक है, 2 k बाय m को लिख सकते हैं वी स्क्वायर। देखिए ना, 2 k बाय m बराबर वी स्क्वायर, तो वी कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा वी स्क्वायर, यदि इतना है तो वी हो जाएगा रूट अंदर 2 k बाय m। ठीक है, क्या हो जाएगा, वी बराबर रूट अंदर 2 k बाय m। ठीक, अब क्या होगा समझिए, मेरा डी ब्रोगली इक्वेशन क्या था, लैम्डा बराबर कोई कण के लिए क्या है, लैम्डा बराबर h बाय m इंटू वी, h बाय m इंटू वी। ठीक है, h बाय m लिख दिए, अब भी का मान पुट करेंगे यहां से, क्या है रूट अंदर 2 k बाय m, रूट अंदर 2 k बाय m। एक बात बोलिए, यहां पर m बाहर में, इसको अंदर करेंगे तो क्या होगा, m स्क्वायर होगा, यानी h बाय सबको मिला के लिखेंगे रूट में तो लिख सकते हैं m चल जाएगा अंदर, तो हो जाएगा 2 k m स्क्वायर बाय, नीचे m है तो m m एक ठो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए तो एच बाय रूट अंदर 2 k m, देख लीजिए बचेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए बढ़िया से। तो हम लोग का प्राप्त तो हो गया, हम लोग को तो यही प्राप्त करना था। ठीक है, हम लोग को यही प्राप्त करना था, देखिए प्रूव हो गया, बहुत इजी है। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य फोटोन के लिए लैम्डा बराबर एच बाय पी होता है, कोई कण के लिए एच बाय एम इंटू वी होता है। कण की गतिज ऊर्जा जो संबंध निकालने बोला था, तो गतिज ऊर्जा लिखेंगे, ये तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लिख दिए,
अब लिखेंगे गतिज ऊर्जा, तो के काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होती है, एम उस कण का द्रव्यमान है और भी उस कण का वेलोसिटी है। ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं 2k बाय m बराबर v स्क्वायर, तो v हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा रूट अंदर 2k बाय m। अब डी ब्रॉली तरंग दैर्ध्य जो हम ऊपर में लिख के रखे हैं लैम्डा बराबर ये वाला, उसको यहां पर लाएंगे। ठीक, और h बाय m इंटू v का मान को यहां से पुट कर देंगे रूट अंदर 2k बाय m। अब सबको एक साथ लिखेंगे, m बाहर में है, अंदर करेंगे इसको तो जाएगा एम स्क्वायर, क्योंकि फिर से जब एम स्क्वायर को रूट के बाहर कर देंगे तो एम लिखेंगे। ठीक है, यानी एम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एम को रूट के अंदर में एम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिख दिए, एगो एम कट गया, तो बचा लैम्डा बराबर एच बाय रूट अंदर टू के एम, हमको यही प्राप्त करना था। यही क्या है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध है, किसी कण का गतिज ऊर्जा। ठीक है, याद रखिएगा, कोई कण बोलेगा, फोटोन बोलेगा, दोनों में अलग अलग बात होगा। फोटोन बोलेगा तो लैम्डा बराबर एच बाय पी होगा, यानी फोटोन की चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। लेकिन कोई कण बोला है तो उसका अपना एक अलग द्रव्यमान होगा, उसका अपना एक अलग वेलोसिटी होगा, तो वह फोटोन के बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आराम से, बहुत इजी है, आराम से प्राप्त कर सकते हैं। देख लीजिए एकदम ऊपर से नीचे तक लाइन बाई लाइन देखिए, बहुत इजी तरीका से हम पढ़ा दिए आपको, बता दिए, प्रूफ करना सिखा दिए कि डी ब्रोली तरंग दैर्ध्य और गतिज ऊर्जा में कैसे रिलेशन प्राप्त करेंगे। क्या होता है रिलेशन, लैम्डा बराबर होता है एच बाय रूट अंदर टू के एम। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, लैम्डा बराबर एच बाय रूट अंदर टू एम के या टू के एम, जो बोलिए, दो गुना तीन बोलिए चाहे तीन गुना दो बोलिए, बात बराबर है, छः ही होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।